गंभीर विषय के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, बहुत सारों ने, सुशांत जो हमारे प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनके मौत के बारे में एक विषय निकाला था और सभी ने उसके बारे में एक गहरी चिंता व्यक्त की थी। तो उस वक्त सुशांत के केस में तीन लेवल पे इंक्वायरी हुई थी। मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी की थी, बिहार पुलिस ने इंक्वायरी की थी और बाद में सीबीआई ने भी इंक्वायरी की थी। लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज भी देश के लोगों के मन में उपस्थित है और उसके जवाब अभी तक नहीं मिले। उसके प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआई जांच का क्या स्टेटस है? क्या मौत के कारण के संबंध में सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंची है? क्या यह सच है कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर हाथापाई और स्टंट गन के निशान थे? क्या सुशांत सिंह और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियन के बीच फोन पर हुई बातचीत की जांच की गई है? कौन थे वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के घर के आसपास आए थे 10 जून 2020? एक लास्ट में कंक्लूड कर 2020 और उसका लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छीन लिया। कंक्लूड करो, कंक्लूड, लास्ट सेंटेंस। एक मिनट रविंद्र, एक मिनट, कंक्लूड करो। क्या रिया चक्रवर्ती के मोबाइल संचार के जांच की गई और क्या यह सच है कि यह महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता के संपर्क में थी और उसकी दोस्ती थी? इसमें एयू का नाम आया। रिया चक्रवर्ती को सुशांत के पहले 44 कॉल्स एयू के आए। एयू का यानी कि लीगल में अनन्या उद्धव बोलते हैं, लेकिन बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था, उसका नाम आया था, तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन। बस नो, आप कंक्लूड करो लास्ट सेंटेंस से। यस अध्यक्ष महोदय, एयू का विषय बहुत ही गंभीर है। एयू जैसा अनन्या उद्धव नहीं, बिहार पुलिस ने कहा है, तो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग है, बिहार पुलिस का अलग है, सीबीआई का। तो लोगों के मन में प्रश्न है, तो इसकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या दिशा सालियन और सुशांत सिंह के बीच मोबाइल संचार की जांच होनी चाहिए और दिशा सालियन की मौत की परिस्थिति और कारणों की जांच होनी चाहिए। थैंक यू।